दोस्तों आज बात करते हैं मारुति सुजुकी इको की, और ये 7 सीटर पेट्रोल वाला वेरिएंट है। तो 7 सीटर वाले वेरिएंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता, साथ ही साथ इसके अंदर आपको एसी का सिस्टम नहीं दिया गया। तो अगर आप एक 7 सीटर फैमिली पर्पज़ के लिए गाड़ी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो ईको आपको कौन कौन से फीचर ऑफर करती है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी हाइट मिल जाती है इस गाड़ी में, काफ़ी ऊंचाई इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है, काफ़ी टॉल गाड़ी है। आपको वाइडर सीट की विंडस्क्रीन मिल जाती है अंदर बैठने के बाद, बाहर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही बराबर आने वाला है, आपको बिल्कुल भी जो है ऊंचक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्विन आपको मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं, जो इसका बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोपी डिज़ाइन में दिया गया है। हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, हैलोजन टाइप के पीले वाले बल्ब वाले मिल जाते हैं। ये कंप्लीट आपको पोर्शन ब्लैक दिया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो है। फॉग लाइट आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात कर लें, साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। साइड फीचर्स देख लें तो यहाँ पे आपको जो है 13 इंच के स्टील लिम्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से व्हील कवर वगैरह आप आफ्टर मार्केट का लगवा सकते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिल जाता है, और आरबीएम्स आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, जिसको आपको हाथ से ही कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। आफ्टर मार्केट अगर आपको इसके अंदर सिस्टम लगवाते हैं तो एंटीना जो है वो यहाँ पर फिट हो जाता है। इसके अलावा डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। 7 सीटर वाले वेरियंट के अंदर आपको ये देखिए ये पोर्शन पे एक ग्राफिक भी मिल जाता है। साथ ही पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की जो अपना लुक है कुछ तरीके का है, काफ़ी टॉल डिज़ाइन में वैन सेगमेंट में गाड़ी आती है, और रियर का जो शीशा है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको एक स्टॉप लैंप मिल जाता है, सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे पियानो ब्लैक का एक एप्लिक डिज़ाइन दिया गया है, इस तरफ ईको लिखा हुआ है। टेल लैंप देख सकते हैं, हेलोजन टाइप के जो टेल लैंप है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर वो मिल जाते हैं। ब्लैक कलर का इसका बम्पर है, टॉप पॉइंट्स के ऊपर आपको इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भाई बूट ओपन करने के लिए आपके पास इस की का ही सहारा है, इसके बगैर आप कहीं से भी बूट ओपन नहीं कर सकते। तो कुछ तरीके का आपको बूट का ओपनिंग मिल जाता है, काफ़ी वाइडर ये गेट खुलते हैं। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे आपको जो स्पेस है वो कुछ इतना ही देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों ये जो सीट्स हैं इनको आप फोल्ड वगैरह नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर देखें तो काफ़ी ऊंचाई तक खुलता है, तो आराम से आप नीचे खड़े होकर के सामान वगैरह इसमें रख सकते हैं। ज़्यादा सामान तो खैर आएगा नहीं, पर जितना भी आएगा उसको आराम से आप यहाँ पर रख पाएंगे। तो इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिलता है, हार्ड का इन द सेंस यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग नहीं दिया गया, मैनुअल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सुजुकी का लोगो है, एक एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस स्टीयरिंग व्हील को आप एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। यहाँ पर देखें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ तरीके का है, और छोटी सी एमआईडी स्क्रीन आपको इस साइड में मिल जाती है। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको की स्टार्ट का फंक्शन मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलता है गाड़ी के अंदर। स्क्रीन आपको यहाँ पे इतनी छोटी सी मिल जाती है, सारे इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं, कितना फ्यूल है, कितना गाड़ी चल चुकी है, सारा कुछ ये आपको यहाँ पर बता देता है। इस तरफ देखें तो ये कंप्लीट पोर्शन ब्लैक रखा गया है, हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है, यहाँ पे आपको ब्लोवर दिया गया है, और यहाँ से आप हुड को जो है वो ओपन कर पाएंगे। नीचे की तरफ देख सकते हैं कितना स्पेस आपको ये मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस के मामले में तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आपको काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है, तो कंफर्टेबली आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। डोर टोन में आपको जो इसका इंटीरियर मिलता है वो मिल जाता है, यहाँ पे आपको बेज कलर दिया गया है, क्रीम कलर, उस तरफ आपको ब्लैक कलर में ये मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल दिए गए हैं ब्लोवर के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरफ फ्लो करना है वो देख सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, आप यहाँ पर सिंगल डिन, डुअल डिन, टच स्क्रीन जो चाहें वो आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरी से इंस्टॉल करवा सकते हैं। 12V का एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कप होल्डर स्पेसेस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, चिल्लर वगैरह जो है यहाँ पे रख पाएंगे। गियर लीवर आपको कुछ इस तरीके का इसका मिल जाता है, पार्किंग ब्रेक लीवर है, ब्लैक टिप के साथ आपको दिया गया है। यहाँ पर देखें तो इस सीट को आप रिक्लाइन डिक्लाइन करना हो, यानी कि जो इसका बैक रेस्ट है इसको आपको रिक्लाइन डिक्लाइन करना हो तो इस लीवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो इस सीट को आप इस जगह से फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अब देखते हैं स्पेसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए, ग्लोव बॉक्स मिल जाता है सामान रखने के लिए, जो इतना स्पेस दिया गया है। डोर्स वगैरह में आपको स्पेस नहीं मिलता, डोर बिल्कुल ही प्लेन रखे गए हैं। हाँ, डोर पे आपको यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है इनसाइड डोर हैंडल ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आपको जो मिरर है उसके लीवर दिया गया है कुछ तरीके से। काफ़ी वाइडर विंडो है इसकी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर खुला खुला महसूस होने वाला है। ऊपर देखें तो यहाँ पे एक सनवाइजर दिया गया है, और इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको कुछ तरीके का मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर भी एक सनवाइजर आपको मिल जाता है मिरर, लेकिन यहाँ पे आपको वेनिटी जो मिरर है वो नहीं दिया गया। एक हेडलैम्प है यहाँ पे हेलोजन टाइप का, यहाँ पर मिल जाता है, और एक दिया गया है यहाँ पर, तो दो हेडलैम्प्स आपको ये ऑफर करती है। ग्रैब हैंडल है, फिक्स टाइप के आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। सीट्स की बात कर लेते हैं तो विनाइल अपोल्सरी के साथ इसकी सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ तरीके का इसमें विनाइल जो है वो कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, डुअल टोन में ब्लैक और बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है। एडजस्टमेंट आपको बता दी है, यहाँ से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे, और यहाँ से आपको जो है इसको रिक्लाइन क्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। पावर विंडो कोई सी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। चलिए अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में। तो रियर डोर ओपन करने के लिए आपको तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग टाइप जो अरेंजमेंट है वो मिल जाता है।
तो सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो आप देख लीजिए, दो दो सीटें जो हैं आगे की तरफ दी गई हैं, दो सीटें आपको मिड में मिल जाती हैं और तीन जो सीट हैं वो आपको पीछे की तरफ दी गई है, यानी कि टोटल 7 सीट आपको ये ऑफर करती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी हाइट मिल जाती है, तो आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी चढ़ने के लिए, और कुछ इतना आपको जो है स्पेस है वो मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस आपको देती है गाड़ी। लेकिन यहाँ पे आपको जो इसका थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, पैर जो है हल्के से उठे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे हेडरेस देखें आप, तो हेडरेस जो है वो फिक्स दिए गए हैं, सभी हेडरेस जो है फिक्स हैं, कोई सा भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, चाहे आगे देखें चाहे आप पीछे देखें। और थर्ड डोर एक्सेस करने के लिए आपके पास ये है, यहाँ पे हल्का सा स्पेस दिया गया है, इसके बाद आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये सीट जो है ना, दोनों ही सीटें जो फिक्स है, मतलब आप इसको आगे पीछे हिला नहीं सकते, तो जो इसका स्पेस आप यहाँ देख सकते हैं कितना आपको स्पेस मिलता है, तो ठीक ठाक है। आप 7 सीटर इस लेंथ में आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो इतना स्पेस आपको मिल जाता है। और ये यहाँ पे एक आपको लैंप मिलता है, और सभी वेरियस जगहों पे आपको जो है वो मिल जाएंगे इसके ग्रैब हैंडल्स फिक्स टाइप के। तो भाई जैसा कि बिल्कुल बेसिक तरीके का आपको यहाँ पे फीचर मिलते हैं, सिस्टम वगैरह नहीं दिया गया है, तो उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट इनका इंस्टॉलेशन करवाना होगा। तो इसके अंदर कुछ कमियाँ जैसे कि बता दें, सिस्टम नहीं आता, अपने पावर विंडोज़ नहीं आती, पावर स्टीयरिंग नहीं आती, एसी नहीं आता, तो इन फीचर को अगर आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इन फीचर को आप छोड़ सकते हैं, तो ईको आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बिकती है, मल्टीपर्पज़ कार है।